मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु जनरल सेक्रेटरी डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे साथ हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी यहां बैठे हुए हैं। आप सबको आज के इस पावन अवसर के ऊपर, भैया दूज के ऊपर शुभकामनाएं भी देते हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज की गई है, इसका आपको मालूम है कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का काफ़ी इनिशिएटिव चल रहा है कि जम्मू के अंदर, विशेषकर पूरा जम्मू सूबा जो है, किस तरीके के साथ किन किन तकलीफ़ों से गुजर रहा है। हर शोबे के ऊपर, हर कम्युनिटी, हर जाति, हर बरादरी अलग अलग तकलीफ़ों से गुजर रही है। मजदूर अपनी जगह तकलीफ में है, किसान अपनी जगह तकलीफ में है, स्टूडेंट अपनी जगह तकलीफ में है, एम्प्लॉइज अपनी जगह तकलीफ में है, इंडस्ट्रीज अपनी जगह तकलीफ में है, कमर्स अपनी, चैम्बर ऑफ कमर्स अपनी जगह तकलीफ में है, वकील अपनी जगह तकलीफों में है। तो इन सब तकलीफों को देखते हुए, विशेषकर 370 के टूटने के बाद, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी एक मिशन के तौर पर काम करती आ रही है और कुछ अरसे से आप लोगों को मालूम है कि चौधरी लाल सिंह जी की क्यादत में एक इनिशिएटिव जो लिया गया कि किस तरीके के साथ पॉलिटिकल डोमिनेंस जो पूरे भारत में शाई हुई है, जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के साथ सरकार काम कर रही है और उसकी किस तरीके के साथ तकलीफ जो है जम्मू के लोगों की बड़ी, विशेषकर 370 के बाद, उसके लिए पूरी सिविल सोसाइटी की तरफ से, अलग अलग बरादरियों की तरफ से, अलग अलग संगठनों की तरफ से एक काफी सुझाव जो है हमारे पास आए और उन सुझाव के आधार के ऊपर डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है, इन्होंने फैसला किया कि क्यों ना जम्मू के हित में सोचने वाले अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टीज, जो भी जम्मू बेस्ड पॉलिटिशियन है, जो जम्मू की बात रखते हैं, जिनको जम्मू की तकलीफ है, जो जम्मू के मुद्दे के साथ जुड़े हैं, क्यों ना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो जाएं और खड़े होके पूरी सिविल सोसाइटी के साथ कि आखिर जम्मू का फ्यूचर क्या है, जम्मू का किस तरीके के साथ इस चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स में किस तरीके के साथ आगे बढ़ा जाए। तो उसके लिए आज के माध्यम से, आपके माध्यम से, मैं पूरे जम्मू संभाग के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि डोगरा स्वाभिमान संगठन ने 8 तारीख परसों यानी सोमवार 3 बजे रिट्ज मैनर होटल के अंदर एक रोजा सेमिनार रखा है और जिसका मिशन है टू यूनाइट जम्मू, मिशन टू यूनाइट जम्मू। और सेमिनार का टाइटल जो रखा है, अंडरस्टैंडिंग जम्मू चैलेंजेस एंड वे अहेड, कि जम्मू दी केड़ी केड़ी तकलीफां, केड़ी केड़ी मुश्किलां और उसका हल कियां होए, उदे ऊपर जड़ी एक चर्चा इस सेमिनार दे माध्यम कन्ने होनी है। मैं तुहाडे माध्यम कन्ने सारे लोकें गी सुनाना चाहना और शुक्रगुजार हैं अलग अलग लीडर्स का, अलग अलग पॉलिटिशियंस का, डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफा, जिन्हें इस सेमिनार दे विच आने दी अपनी कंजेंट दी है, अपनी पार्टिसिपेशन की कंजेंट दी है, जिदे च साढ़े जम्मू दे बड़े प्रोमिनेंट जम्मू कश्मीर दे फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर श्री हर्षदेव सिंह जी, वह भी एक इस सेमिनार दे मुख्य वक्ता न, उदे कन्ने कन्ने साढ़े फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और जम्मू दे बड़े जुजारू नेता श्रीमान रमन भल्ला जी, वह भी इस सेमिनार का एक हिस्सा न, जिथे असी पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन रखी, उदे कन्ने कन्ने जिहड़ी सोशल आर्गेनाइजेशनस, समाजिक आर्गेनाइजेशनस जिन्नियां भी हैं, और साड़ी चाहे चैंबर ऑफ कमर्स है, चाहे बार एसोसीएशन है, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, उस चाली बार एसोसीएशन तो रिप्रजेंटेटिव, चैंबर ऑफ कमर्स तो रिप्रजेंटेटिव और PRI
यानी कि जिहड़े पब्लिक रिप्रजेंटेटिव जिहड़े साडे डीडीसी मैंबर्स न साडे बड़े अच्छे स्टूडेंट लीडर रहे और सुचेतगढ़ तो डीडीसी तरनजीत सिंह टोनी जी और जिथे पूरे जम्मू कने लईए असी पुंछ रजौड़ी तो और डोडा किश्तवाड़ तो रिप्रजेंटेशन साढ़े इंजीनियर वाजिद बशीर खान साहब ये सारे लोग इस एक रोजा सैमीनार दे विच आणगे और जम्मू की किस तरीके कने पोलिटिकली इंपावर किया जाए और जड़ियाँ फोर्सेस आ जम्मू दे विच गलत इंतशार फैला दी हैं डिविसिव एजेंडा लईए चलदी हैं और जम्मू की कुसे ना कुसे तरीके कने नुकसान देना चाहते हैं उस ताई एक रोजा सैमीनार दे विच के रस्ते हो सकते हैं किए अगे बढ़ना है और एक इनकलूसिव अप्रोच लईए जम्मू सूबे की किया पोलिटिकली इंपावर करना है अपनी कल्चर की अपनी हैरीटेज की जिदे ताई डोगरा स्वाभिमान संगठन बड़ी देर दा लड़दा आ रहा है उसकी किया अगे बढ़ाना है उस ताई एक सैमीनार जिहड़ा है ऑर्गेनाइज असी 8 तरीक रिट्ज़ मैनर होटल के 3 बजे शुरू करे करने हैं।